10,000 years and then forever.
वेलकम यू अगेन टू दी ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सबों का स्वागत फिर से करता हूँ। सभा का ये वो भाग है जिसमें कि हम प्रभु को देते हैं। दिस इज द टाइम ऑफ द वर्शिप सर्विस वेयर वी गिव टू द लॉर्ड। यू कैन यूज द नंबर्स ऑन द स्क्रीन टू गिव वॉट एवर द लॉर्ड इज लीडिंग यू टू। आप स्क्रीन पे दिए गए अंकों का प्रयोग कर सकते हैं जब आप प्रभु को देते हैं। मे गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस। प्रभु आपके आर्थिक स्थिति में आपको मदद करे और आपको आशीष दे। Amen. Praise the Lord. Thanks everyone for joining. Amen. Jai Masih ki aur sabka dhanyavad hai judne ke liye. Today I'm going to talk about legacy. Aaj main baat karne wala hu virasat ke bare mein. Now this is a very peculiar topic because this word has not really come in the Bible many times. और ये जो शब्द है बहुत ही ज्यादा संजीदा है क्योंकि ये जो शब्द है बहुत बार बाइबल में नहीं आया है। But I want to give it a different aspect and I want to bring out that there are certain legacies that you can bring in your family or in your family line or start things from your life which has not happened in the generations before. और आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहूंगा जो कि आप जोड़ सकते हैं अपने परिवार में, अपनी वंशावली में, अपनी पीढ़ियों में, और जो कि कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि शायद आपके परिवार में ना होती हो लेकिन आपके समय से, आपकी पीढ़ी से वो शुरू हो सकती हैं। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल टू स्टार्ट विद एंड दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट। मैं आपको एक शब्द देना चाहूंगा, एक तरीके से एक विषय बताना चाहूंगा जिससे कि आप शुरुआत कर सकते हैं। सो आई एम गोना डू दैट थ्रू एन एग्जांपल। और मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। सो आई वांट टू टेल यू दैट किंग डेविड वाज द फर्स्ट किंग हुम द लॉर्ड वाज रियली प्लीज्ड विद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजा दाऊद था वो पहला राजा था जिससे कि परमेश्वर बहुत प्रसन्न था। बट फॉर इज़राइल इट वाज़न्ट अ वेरी पीसफुल टाइम बिकॉज़ डेविड वाज़ कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्वड इन बैटल्स बिकॉज़ मेनी आर्मीज अटैक्ड डेविड एंड हिज लाइफ वाज़ एक्चुअली फिल्ड विद बैटल्स एंड वॉरियर्स इवन व्हेन ही वाज़ नॉट अ किंग ही वाज़ रनिंग अवे फ्रॉम दैट टाइम्स किंग बिकॉज दैट किंग वॉन्टेड टू किल हिम। सो ऑलवेज ही वॉज ऑन द रन। देयर वाज़ लॉट ऑफ बैटल टाइम ड्यूरिंग हिज एरा। और जो ये समय था वो इसराइल के लिए बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक समय नहीं था क्योंकि उस समय बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी और जो राजा दाऊद था वो बहुत ही सारी लड़ाइयों के साथ में जुड़ा हुआ था। And he wanted to make a temple of the Lord and the Lord told him that you won't make the temple because you know there's too much blood during your regime, your son will do that. तो जब राजा दाऊद एक मंदिर बनाना चाहता था परमेश्वर का तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम ये मंदिर नहीं बनाओगे क्योंकि तुम्हारे जो राज्य में है बहुत सारा खून बहा है और तुम्हारा पुत्र ये करेगा। सो वी फाइंड दैट ड्यूरिंग डेविड्स टाइम इट वाजंट रियली पीसफुल इन इज़राइल बट इट वाज गुड बिकॉज डेविड वाज अ गुड किंग। बट इन द एरा ऑफ सॉलोमन इज़राइल वाज at its highest prosperity level, be it peace, because Solomon didn't have to fight any fights. David had already done that. He didn't have to kind of build economic system because David was really good in building that. So he inherited all that from David, and that's why when he started off as a real prosperous king, and he just concentrated on wisdom. और जब सुलेमान का समय आया तो ऐसा था कि दाऊद ने सब कुछ पहले ही कर दिया था। उसने एक व्यवस्था पहले से ही बना दी थी, सारी लड़ाइयां पहले से ही लड़ी जा चुकी थी और सब कुछ शांतिपूर्वक हो चुका था। तो अब ये समय था कि सुलेमान को कुछ खास करना नहीं था लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल के साथ में अपने राज्य को चलाना था। बाइबल सेज दैट एट द टाइम ऑफ सॉलोमन द इज़राइलाइट्स वर डूइंग वेरी वेल। एवरीबॉडी हैज lot of food and they had lot of prosperity and they had lot of peace. और बाइबल हमें बताती है कि सुलेमान का जो समय था वो समय बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लोगों के पास खाने के लिए बहुत था, लोग शांति में जी रहे थे और एक बहुत ही अच्छा समय काल था जब सुलेमान राजा था। So let's look into some scriptures in order to find that out. और आइए हम वचन में से देखते हैं ये ढूंढने के लिए। And let's open our Bibles to 1 Kings chapter 4. आइए पहला राजा उसका चौथा अध्याय देखते हैं। वर्स 20 उसका 20वां वचन। इट सेज द पीपल ऑफ जूडा एंड इज़राइल वर न्यूमरस एज द सैंड एंड द सीशोर एंड दे वर वेरी कंटेंटेड एंड
had plenty to eat and drink. And later on, if you read the entire section, you will find from verse 22 onwards that it just talks about what was the daily inventory at the king's palace. How much of non-veg food was there, how much of veg food was there, and the food grains that were used. It just tells us about the prosperity and peace of that land during the time of Solomon. और यहाँ पर जिस तरीके से वचन में लिखा हुआ है, यहूदा और इसराइल के लोग बहुत थे, वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे, और खाते पीते और आनंद में रहते थे। और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे भी लिखा हुआ है कि कितना उनके पास में आटा था, कितना उनके पास में जो अनाज था, उसके बारे में उसकी भी गिनती लिखी हुई है कि वो कितनी भरपूरी में थे। And the way things were happening in the regime of Solomon, people used to hear from afar, you know, Queen of Sheba used to come and see how are things done in Solomon's empire, you know, is his wisdom was so great, the way things were done, the priests and the prosperity was such that people used to just hear that and come to see it, you know, just to see the prosperity of the land of Israel. जिस तरीके से सुलेमान के राज्य में हो रहा था कि लोग इतने शांति में जीते थे और इतना कुछ खाने पीने के लिए उनके पास में था, इतनी भरपूरी थी, तो लोग दूर दूर से आकर ये देखते थे, ये जानना चाहते थे कि किस तरीके से सुलेमान की बुद्धि के द्वारा और किस तरीके से उसके राज्य में ये सारी समृद्धि आ रही है। सो आई बिलीव दैट डेविड पास्ड ऑन अ लेगेसी टू सुलेमान। तो मुझे ये विश्वास है कि जो दाऊद था उसने एक विरासत दे दी थी सुलेमान को। The things that David did so right, it benefited Solomon. बात ये है कि जो दाऊद था उसने सब कुछ इतना अच्छा किया था जिसकी वजह से उसका लाभ सुलेमान को हुआ। I think he changed the course in which David's family was going, and he changed it. As a shepherd boy, he changed that course and established a new legacy, a legacy of Jehovah being the highest one in the kingdom of Israel. और कुछ ऐसा हुआ कि दाऊद ने सब कुछ ही बदल दिया, जबकि वो एक चरवाहे का लड़का था, और उसके बाद में भी उसने अपनी पीढ़ी ही बदल दी, और अब ये जो सुलेमान का राज्य है वो पूरा बदलाव के साथ है दाऊद के कारण। Today I want to tell you that you can change things in your life, and you can take this message as changing the legacy of your family. You know, certain things that have been coming on in your family, which are probably not good for your family, you can change it. And you can make sure that that component doesn't get passed on to your children, and it becomes a blessing for your children. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने समय से, आपके जीवन से आप अपनी विरासत बदल सकते हैं, आप अपने परिवार को बदल सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके परिवार में पहले से अच्छी ना चल रही हो, लेकिन आपके जीवन के द्वारा, जब आपके जीवन की शुरुआत इस विरासत में होती है जो आप परमेश्वर से जोड़ते हैं, उसमें आप सब कुछ बदल सकते हैं। यू नो समथिंग लाइक डैनियल डिड, यू नो डैनियल चेंज द लेगेसी ऑफ, यू नो इज लाइक एवरीवन, what he inherited was slavery, you know, he inherited slavery from, you know, his parents, because his parents were not able to fulfill the commandments of the Lord, and you know, their kingdom was taken by a foreign king, and he inherited slavery. You know, there's nothing much he can do. The Bible talks in the first chapter of Daniel, talks about that Daniel was a slave. Now from that slave he became the prime minister. You know, so he changed the course in his life, and then his descendants would have taken up that freedom in which he lived. और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा दानियल का कि किस तरीके से उसने विरासत में जो है दासत्व पाया था, और अब क्या होता है कि वो विरासत ही बदल देता है और वो एक प्रधानमंत्री बन जाता है. Okay, so today I'm going to cover three aspects, you know, three areas in which you can change your family traditions, or you know, what you are inheriting from your parents, and even have done that in your life, and you can change it around. तो आज मैं आपको ऐसे तीन पड़ाव बताऊंगा जिनमें कि आप बदल सकते हैं जो कुछ भी आपको कई बार अपने माता पिता के द्वारा विरासत में मिला होगा और जो सही नहीं होगा वो बातें आप बदल सकते हैं अपने जीवन के द्वारा. Okay, now you might have noticed that there are certain diseases that happen too many times in the same family line.
कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत बार आपके परिवार में या पीढ़ियों दर पीढ़ियों होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मॉम्स साइड देयर हैव बीन सो मेनी कैंसर केसेस। जैसे कि जो मेरी माता के जो परिवार है उसमें बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ था। माई मॉम ऑल्सो डाइड ऑफ कैंसर इन द ईयर 1992। और 1992 में मेरी माता का भी देहांत हो गया था कैंसर की वजह से। However, you know, as I have lived my life sharing the gospel and I have lived the life, you know, I have followed Jesus in my life, I believe that, you know, this whole disease problem in my family has gone away now, you know, and as I share my testimony that I have not taken a pill, I have not been to a doctor since the last 12 years. And I believe that, you know, I'm soon going to be a dad. And I believe that, you know, when my child is going to be born, he's going to be born in this legacy, you know, not the cancer component. Where you know a lot of people in my family from my mom's side had cancer, but you know now we believe that it's a new thing that God is going to start from here or from my life, looking at covenants we have made with the living God. और जिस तरीके से मेरे माता के परिवार में ये बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ है, लेकिन जैसे जो मेरा जीवन है और मैंने परमेश्वर की इतनी जो सेवा की है और परमेश्वर के साथ जो अपना संबंध स्थापित किया है उससे मैंने ये मान लिया है, अपने जीवन में ठहरा दिया है कि ये बीमारी बिल्कुल जा चुकी है हमारे परिवार से और ये आने वाले समय में किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको कई बार अपनी गवाही अपने जीवन से दी है कि कम से कम 12-13 साल से और इतने समय से मैंने कभी भी कोई गोली नहीं ली है, मैं कभी चिकित्सालय भी नहीं गया हूं किसी भी बीमारी को लेकर, और परमेश्वर ने सारी बीमारियों से मुक्त रखा है, और जैसे कि मैं बहुत ही जल्द पिता बनने वाला हूं और यही बात मैं अपने बच्चे के लिए भी ठहराता हूं कि जो मेरा बच्चा होगा वो भी बीमारियों से रहित होगा, उसे किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होगी, ये बीमारी हमारे जीवन से हमारे परिवार से बिल्कुल जा चुकी है मेरे जीवन के द्वारा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, यू नो दिस इज नॉट लाइक इट डजंट हैपन नॉर्मली, लाइक यू जस्ट एक्सेप्ट जीसस एज योर लॉर्ड एंड सेवियर और योर यू नो नॉर्मल क्राइस्ट बिलीविंग, यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फोकस ऑन दिस, यू हैव टू फोकस दैट in my family line there were a lot of cancer cases. Okay, now you need to start something special, make a new covenant, a fresh talk with the Lord, and tell the Lord that Lord, even though there have been health problems and so many people have died early in my family line because of certain sicknesses that have happened in their body, but it's not going to happen to me. And it's not going to happen to my wife or my children or my lineage, and I want to change that with this legacy concept. तो आप ये देखिए, साधारण रूप से ऐसा नहीं होता है कि अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें तो ये सारी बातें चली जाए, लेकिन आपको ये संबंध यीशु के साथ में स्थापित करना होगा, जिसमें कि मेरे परिवार में ऐसा हुआ कि पहले ये बीमारी हुआ करती थी लेकिन अब ये बीमारी मेरे जीवन के द्वारा जा चुकी है और ये हमारे परिवार में अब किसी को भी नहीं होगी। सो यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट यू नो सर्टेन थिंग्स दैट आर कमिंग डाउन इन योर फैमिली, you have to understand that, you know, with your relationship with the Lord, those things have been broken, you know, and definitely you inherit all the big things that the Lord has already done. You know, you inherit the name of Jesus, you inherit the promises, you know, all those things you inherit, but all the things which the devil tried to destroy or puncture in your family, you don't inherit that. You have to stop that and you start a new legacy. और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी आपके जीवन में ऐसी बातें होंगी जो आपके परिवार से आ रही होंगी, जिस तरीके से यीशु का नाम आ रहा होगा, यीशु के वादे आ रहे होंगे, वो सब कुछ तो आप विरासत में पाएंगे, लेकिन जो ऐसी बातें हैं जो कि शैतान की ओर से आती हैं वो आप विरासत में नहीं पाएंगे, वो आप अपने जीवन के द्वारा आपके समय से बदल सकते हैं। ओके, नाउ आई वांट टू गिव यू अनदर एग्जांपल। और मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। यू नो यू माइट हैव हर्ड बर्तिमायस स्टोरी इन द न्यू टेस्टामेंट। आपने बर्तिमाय की कहानी जरूर सुनी होगी नए नियम में। एंड ही इज द सन ऑफ तिमाय। और वो जो था वो बेटा था तिमाय का। आई वाज रीडिंग समवेयर दैट मोस्ट ऑफ दीज बेगर्स इन इज़राइल दैट टाइम देयर पेरेंट्स आल्सो हैड द सेम प्रॉब्लम, लाइक दे हैड आईसाइट प्रॉब्लम, बर्तिमाय हैज आईसाइट इश्यूज, पेरेंट्स वर आल्सो ब्लाइंड
And then their parents also had eyesight problem, you know. So it's coming down the line. And now we find that Bartimae, you know, and their trade has been begging because, you know, they are blind people. They can only beg. But Bartimae makes a different decision. He throws away all that he has for begging and he approaches Jesus for his eyes to be healed. And I believe that that was the breaking point in Bartimae's life and in that lineage. And now with that sight, he's going to take that health of his eyesight down to his children also. और आपने कई बार पढ़ा होगा नए नियम में जब ऐसा होता था कि जो नए नियम में जब भिखारियों की कहानी बताई जाती है जिस तरीके से बर्तिमे की कहानी बताई जाती है कि अगर उनको आंखों की समस्या है तो उनके पिता को भी या उनके माता को भी ये समस्या थी और ये समस्या के साथ ही वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चल रहे थे और एक तरीके से जो अंधे होने की बीमारी है या भीख मांगने की जो समस्या है एक तरीके से जो उनका एक ये व्यवसाय ही बन गया था क्योंकि जब आंखें नहीं थी तो उनके पास और कोई काम मिल नहीं सकता था तो ये विरासत में ही चल रहा था और विरासत में बर्तिमे ने क्या किया कि उसे बदल दिया बल्कि उसे भी विरासत में मिला था लेकिन उसने यीशु को स्वीकार किया और उसने अपनी जो बीमारी है वो यीशु की चंगाई के द्वारा ठीक की और अब उसका जीवन काल ही बदल गया. Okay, now I want to give an example of my dad also. और अब मैं आपको अपने पिताजी का भी उदाहरण देना चाहूंगा. You know, in my dad's house there are 5 siblings. मेरे पिताजी के घर में वो लोग 5 भाई बहन हैं. माय डैड ऑलवेज यू नो स्टेड वेरी क्लोज टू द लॉर्ड यू नो इज रेगुलरली ही वाज वेरी लॉयल टू द लोकल चर्च एंड ही वुड नॉट मिस एनी संडे सर्विसेज एंड ही वाज वेरी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स. और मेरे पिताजी ने कलीसिया के साथ में बहुत ही ज्यादा अनुशासन वाला जीवन बताया एंड आई थिंक दैट सर्टेन थिंग्स चेंज्ड इन हिज फैमिली ऑल्सो. और मुझे ऐसा लगता है कि उनके परिवार में भी कुछ बातें बदली. All the other siblings had, you know, little old age issues. जो दूसरे उनके भाई बहन थे उन सब को उनके बुढ़ापे वाले जो बीमारियां होती हैं वो सब हुए. But my dad is now 83 years old and he has running health. और जो मेरे पिताजी हैं वो इस समय 83 वर्ष के हैं और इस समय उनकी उनका जो स्वास्थ्य है वो ऐसा है कि वो बिल्कुल दौड़ भाग सकते हैं. In the year 2008 we started praying that Lord you give him 90 years of running health. 2008 में मैं ये प्रार्थना करने लगा कि मेरे पिताजी को 90 वर्ष तक एक चलते फिरते हुए व्यक्ति का दौड़ते हुए व्यक्ति का स्वास्थ्य मिले. Now he's 83 and we are going to extend it further. और अब वो 83 वर्ष के हो चुके हैं और हम सोच रहे हैं कि इसे बढ़ा भी दें. एंड ही इज काइंड ऑफ ही ड्राइव्स द कार ही लिव्स अलोन ही कुक्स फॉर हिमसेल्फ यू नो ही कैन डू एवरीथिंग. आई बिलीव दैट यू नो देयर सर्टेन ट्रेंड्स दैट हैव बीन चेंज्ड इन माय डैड्स फैमिली विथ माय डैड यू नो बीइंग अ पायनियर इन दिस यू नो बिकॉज ही लिव्ड हिज लाइफ totally accountable to the church and totally trusting in the Lord and that shows up in his health and that legacy now is passed on to me and it's passed on to my family also. और जो मेरे पिताजी हैं वो गाड़ी चलाते हैं अपने लिए खाना बना लेते हैं अकेले रहते हैं तो मुझे ये लगता है कि जो मेरे पिताजी ने अनुशासन जो जिसका पालन किया है जिस तरीके से कलीसिया में और परमेश्वर के साथ में जो संबंध स्थापित किया है वो ही है कारण जिसकी वजह से मेरे पिताजी का जीवन इतना स्वास्थ्य पूर्वक जा रहा है और मुझे लगता है कि अब वो मेरे पिताजी ने विरासत में मुझे और मेरे परिवार को भी दे दिया है. आई वांट टू टेल यू दैट यू कैन चेंज द लेगेसी पैटर्न इन योर फैमिली. मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके परिवार में जो विरासत जिस तरीके की चल रही है आप चाहे तो उसे बदल सकते हैं. यू नो एंड इनहेरिट सम गुड थिंग्स ऑल्सो एंड कीप इट अबाइड बाय इट एंड ट्रांसफर दैट टू योर डिसेंडेंट्स. और बहुत अच्छी बातें जो परमेश्वर की ओर से होंगी आप उसको रख सकते हैं और उसे आप आगे भी दे सकते हैं अपने परिवार. लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल हाउ डेविड यू नो गेव अ टेरिटरी विच इज बैटल फ्री टू हिज सन सॉलोमन. ही डिड एवरीथिंग यू नो ही क्रश्ड ऑल द प्लेसेस दैट वर यू नो ऑफ फॉरेन गॉड्स एंड ही took all of that away from Israel and he established righteousness in that land and then he handed over to Solomon and he enjoyed that blessing from his dad. और जिस तरीके से दाऊद ने एक विरासत दे दी सुलेमान को कि उसने सारी लड़ाइयां पहले ही लड़ ली और बिना लड़ाई के एक राज्य उसको दे दिया उसने सारे जो जो गलत परमेश्वर
की जो सेवा करते थे वो सारी बातें उसने निकाल दी उस राज्य से और एक शांतिपूर्वक राज्य उसने विरासत में सुलेमान को दे दिया। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस लेगेसी कॉन्सेप्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये जो विरासत की ये जो मैं शिक्षा आपको दे रहा हूं ये होती क्या है। यू नो लॉर्ड इज अ लॉर्ड ऑफ कवेनेंट। जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है वाचा का परमेश्वर। वंस ही एस्टैब्लिश अ कवेनेंट विथ यू, जब वो एक बार आपके साथ वाचा बांध लेता है, ही रिमेम्बर्स दैट, वो याद रखता है उसे, इट बिकम्स योर लेगेसी, वो बन जाती है आपकी विरासत। एंड द मोर यू इन्वॉल्व हिम इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, ही एस्टैब्लिशेस अ लेगेसी कवेनेंट इन दोज एरियाज ऑफ योर लाइफ। और जिस तरीके से परमेश्वर की वो वाचा आप अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं या उसको आप संबंध बनाते हैं उस वाचा के साथ में, तो वो वैसे ही कार्य करने लग जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। यू नो आई वांटेड टू गिव 3 पॉइंट्स बट आई डोंट थिंक आई हैव टाइम फॉर 3 पॉइंट्स, बट यू नो लेट्स सी हाउ इट गोज। द सेकंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट यू नो यू कैन चेंज द लेगेसी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि मैं 3 बिंदु आपसे बांटना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी समय बचेगा 3 बिंदु बांटने के लिए, तो मैं आपको दूसरा बिंदु बताता हूँ, देखते हैं कि किस तरीके से समय चलता है। और दूसरे बिंदु में आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से परमेश्वर विरासत में आपको रिश्ते देता है। यू माइट हैव हर्ड दैट यू नो वन फैमिली इफ दे सी डिवोर्स दे सी मल्टीपल डिवोर्स, यू नो इट्स लाइक you will find out about their family web, and you will find you know all the people associated with the family, and you will find this one also got divorced. You know why does that happen? It's because you know there's a seed of divorce in that line, and you know they bring it on. And if one person stands up and understands what is marriage as per the Bible, he makes a stand and comes strongly and prays through the marriage and understands the covenant of marriage, then he changes the whole legacy of the family, and he changes that divorce tag that's coming from generations over that family. और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ परिवार के जो लोग होते हैं, कई बार उनके परिवार में तलाक बहुत ज्यादा होता है और उनके परिवार में लगातार उनकी जो आगे की पीढ़ियां होती है उसमें भी तलाक होता रहता है। और ये बात कुछ ऐसी होती है कि बार बार आपको सुनने में आएगी कि वो एक बीज सा पड़ गया होता है उनके परिवार में जो कि लगातार सबके जीवन में होता रहता है। सो आई वांट टू गिव यू अ स्क्रिप्चर हियर एंड इट्स टेकन फ्रॉम फर्स्ट क्रॉनिकल्स Chapter 14, verse 9. और मैं आपको यहाँ पर कुछ वचन देना चाहूंगा जो कि पहला इतिहास उसका 14वां अध्याय chapter 4 verse 9 पहला इतिहास उसका 4वां अध्याय and verse 9 उसका 9वां वचन Here it says there was a man named Jabez who was more honorable than his brothers. His mother name is Jabez because his birth had been same so painful. He was the one who prayed to the God of Israel, "Oh, that you will bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain." और यहाँ पर जिस तरीके से वचन में लिखा है, और याबेस अपने भाइयों में से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। और याबेस ने इसराइलियों के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा रुचि रखते हैं। दिस गाइस नेम इज really stupid, you know. His mother names him Pain, you know. Can you beat that? You know, it's like somebody's name is only Pain. और कितना ही अजीब, कितना ही बेवकूफी भरा हुआ है कि किस तरीके से उसकी माता ने उसका नाम ही दर्द रख लिया। और आप सोचकर देखिए कि किसी का नाम ही दर्द रख दिया जाए तो, you know, you can imagine, you know, how people will call him. They say, "Oh, Pain, come here," you know, or "Pain, oh, look, Pain is going there." You know, it's very weird for somebody to be named Pain. और कितना अजीब है कि किसी
का नाम दर्द रख दिया जाए, लोग उसको बुलाएंगे कैसे कि दर्द तुम इधर देखो, दर्द देखो ये हो गया है, ये कैसे बुलाया भी कैसे जा सकता है? इट सीम्स दैट हिज मदर यू नो नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बेयरिंग बट आई बिलीव दैट she had seen so much pain that it came out, you know, it came out and it went in her inheritance, you know, to the extent that this boy was called pain. और आप ये सोचकर देखिए, शायद उसकी माता ने इतना ज्यादा दर्द सहा होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके जन्म के समय नहीं, लेकिन वो उसको इतना दर्द हुआ होगा कि उसकी माता ने उसका नाम ही दर्द रख दिया कि ये विरासत में उसे नाम मिल गया. But Jabez was very different. लेकिन जो याबेस है वो बहुत ही अलग निकला. यू नो ही इज नॉट लाइक ओ नाउ आई पास ऑन दिस पेन यू नो टू माय चिल्ड्रन आल्सो, आई हैव बीन, माय मदर हैज बीन पेन, यू नो माय फादर हैज बीन पेन, वी हैव बीन सफरिंग ऑल दिस व्हाइल, वी हैव बीन सफरिंग ऑपरेशन फ्रॉम ऑल द अदर किंग्स एंड वी हैव बीन एक्साइल्ड, बट नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू नेम माय सन पेन, यू नो आई एम गोइंग टू पास इट ऑन. दैट्स नॉट व्हाट हिज थॉट प्रोसेस इज. He understood that he can stop that, he can end that, and he can start a new, a fresh legacy. अब याबेज जो था वो इतना अलग निकला कि उसने इस बात को विरासत में नहीं लिया जो जो कि उसके माता पिता से मिला कि वो लोग इतने दर्द में थे, तो अब जो याबेज है वो भी दर्द में रहेगा और वो भी अपने बच्चों को यही दर्द देगा या उनका भी नाम ऐसे रख देगा. लेकिन उसने इस पूरी विरासत को बदल दिया और उसका जो जो उसका दिमाग था इस बात को लेकर वो बिल्कुल ही अलग निकला अपने माता पिता. और फिर उसने इस इतनी अच्छी प्रार्थना को किया जो कि हमने जो अभी पढ़ी है. And he said that Lord, even though my name is pain, but you bless me and make me more prosperous. You know, and you know before that it says that he was more blessed than his brothers. और यहाँ पर किस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है कि हे पिता परमेश्वर, जबकि मेरा नाम याबेस है, लेकिन आपने मुझे अधिक प्रतिष्ठित किया और मुझे आनंद में रखा, आपने मुझे और आशीष किया. और यहाँ पर ऐसे भी लिखा है कि वो अपने भाइयों से भी अधिक प्रतिष्ठित हुआ. You know, and then it says, and the Lord granted his request. और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी. It's amazing that this portion of scripture comes in between a genealogy. You know, it's a genealogy. You know, if you read this chapter, it's a genealogy. Who was born after whom? Who was born after whom? And then it comes to Jabez, and then it brings in this prayer, and then the genealogy continues. It's almost like something has been continuing in their lineage, but one person stands up and says, "It's not going to continue now onwards." From my life onwards is not going to continue and the Lord granted him. और आप अगर इसे पढ़ के देखेंगे अच्छी तरीके से तो ये जो वचन लिखे जा रहे हैं ये सारे वंशावली के बीच में से वचन है. और यहाँ पर क्या होता है कि वंशावली को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है कि कौन किसके बाद में पैदा हुआ, और उसके बीच में अचानक से ये वचन है कि किसी के जीवन में ये विरासत में मिला हुआ है और जो लगातार चलता आ रहा है, और एक व्यक्ति खड़ा होता है उस वंशावली में से और कहता है कि अब से मेरे जीवन काल से ये विरासत में नहीं जाएगा, और वही से वो सारी बातों को बदल देता और फिर से कहानी शुरू होती है वंशावली. My wife and her brother, they accepted Jesus. They are from an idol worshipping background, but they took a stand. They understood who the living God is, and now their lineage is going to stop worshipping idols. You know, their children's children are not going to be idol worshippers. Their children's children are going to follow the living God, which has not happened in generations in their family. और जो मेरी पत्नी और उनका जो भाई है, उन्होंने एक ऐसे परिवार से यीशु को स्वीकार किया जहां पर मूर्ति पूजा की जाती थी, और उन दोनों ने अपने परिवार की इस वंशावली को, इस विरासत को अब बदल दिया है. अब उनके जीवन में किसी भी तरीके की कोई मूर्ति पूजा नहीं है, और उनके बच्चों के बच्चे और आगे की सारी पीढ़ियां जो है वो मूर्ति पूजा से रहित रहेंगी, और कभी उनके जीवन में मूर्ति पूजा नहीं होगी. देयर वाज लॉट ऑफ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन देयर फैमिली, एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू टेक और ग्रैब एंड होल्ड एंड स्पिरिट of poverty also, but now they have broken that in Christ Jesus. और उनके परिवार में बहुत ही ज्यादा धन की समस्या रही है, और वो धन की समस्या उन्होंने यीशु के नाम से खत्म कर दी है. So Jesus can break all the problems that are there in your lineage, and it can begin with you. और यीशु आपके परिवार की समस्याओं को खत्म कर सकता है जो पहले रही हैं, और वो आपके जीवन से बदल सकता है. Let's open our Bibles to Proverbs chapter 13 verse 22. आइए बाइबल में से नीति वचन में से देखें उसका 13वां अध्याय.
चैप्टर 13 वर्स 22 उसका 22वां वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 22 नीति वचन 13वां अध्याय और उसका 22वां वचन इट सेज गुड पीपल लीव एन इनहेरिटेंस टू देयर ग्रैंडचिल्ड्रन बट सिनर्स वेल्थ पासेस टू द गॉडली यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है इट टॉक्स अबाउट सर्टेन वेल्थ दैट इज पास्ड ऑन और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक विरासत की जो यात्रा है या जो समृद्धि है जो आगे उनके बच्चों को मिलती है उसके बारे में बात की जा रही है We have to just understand this totally from the biblical concept that Jesus passed on lot of things from the cross. He bore it. He changed that direction. He changed the direction of going to hell. He changed the direction of torture and torment of demons. He changed it into new life and he passed it on. He passed it on to all of us so that we can enjoy that legacy that Jesus created on the cross of Calvary. And that's what is brought in Proverbs also, that a good man leaves an inheritance for children, children's children. और किस तरीके से हमें समझना होगा वचन के द्वारा और बिल्कुल ही इसको हमें धर्मशास्त्र के तरीके से समझना होगा कि कैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर बहुत सारी बातें हमारे लिए विरासत में बदल दी उसने दुष्टात्माओं का हमारे जीवन में प्रभाव उसने बहुत सारी गलत बातों का प्रभाव हमारे जीवन में विरासत के तौर पर ही बदल दिया आई वांट टू चैलेंज यू दिस मॉर्निंग और इवनिंग व्हाटएवर टाइम यू आर वॉचिंग मी मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा सुबह या शाम जब भी आप मुझे देख रहे हैं आर यू इंटरेस्टेड इन दिस लेगेसी जर्नी विद जीसस क्या आप रुचि रखते हैं ये जो यात्रा है यीशु के साथ में विरासत की कैन यू टेक अ स्टैंड इन द लॉर्ड एंड चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ एंड योर फैमिलीज लाइफ एंड द डिसेंडेंट्स क्या आप तैयार हैं यीशु के साथ में मिलकर अपने जीवन और अपने परिवार की वंशावली की मार्ग की दिशा बदलने में जेबेस डिड इट और याबेस ने ऐसा किया डेविड डिड इट दाऊद ने ऐसा किया जीसस डिड इट ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी फॉर ऑल ऑफ अस यीशु ने क्रूस पर हम सबके लिए ये किया आर यू रेडी टू डू इट फॉर यू एंड योर फैमिली क्या आप तैयार हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने के लिए कैन यू टेक सर्टेन स्टैंड्स इन योर फैमिली क्या आप कुछ निर्णय अपने जीवन में अपने परिवार के लिए ले इफ यू सी इन योर फैमिली द सेम काइंड ऑफ सिकनेस हैज बीन कमिंग ओवर मेनी पीपल अगर आप देखते हैं कि एक ही तरीके की बीमारी जो है वो आपके परिवार में लगातार हो रही है सेम काइंड ऑफ मैरिज प्रॉब्लम्स कमिंग इन द एंटायर फैमिली एक ही तरीके की विवाह में समस्या आपके परिवार में लगातार हो और मे बी अनएम्प्लॉयमेंट कमिंग सो मेनी टाइम्स इन योर फैमिली और हो सकता है बेरोजगारी आपके परिवार में बहुत बार परिवार जनों में आती है और पॉवर्टी और सेल्फ पिटी और हो सकता है कि गरीबी या फिर अपने आप पर दया करने वाली भावना लगातार आपके परिवार में हो और कॉन्स्टेंटली आस्किंग मनी यू नो कैरेक्टर कमिंग डाउन इन योर फैमिली और हो सकता है कि लगातार लोगों से पैसा मांगने का जो चरित्र है वो आपके परिवार जनों में हो फाइनेंशियल इम्प्रोप्रायटी कमिंग इन योर फैमिली हो सकता है जो असमृद्धि है वो आपके परिवार जनों में हो ड्रंकननेस कमिंग डाउन इन योर फैमिली दारू पीने की समस्या आपके परिवार में बहुत सारे लोग वाइल्ड पार्टीज डिबॉचरी कमिंग इन योर फैमिली और बहुत सारे गलत कार्य और व्यभिचार की समस्या आपके परिवार में हो यू कैन ब्रेक इट आप उसे तोड़ सकते हैं यू कैन स्टैंड टॉल लाइक जेबेस एंड से आई वांट टू ब्रेक इट विथ माय लाइफ आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं या बेस की तरीके और कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन से इसे बदलना चाहता हूँ लेट्स जस्ट प्रे आइए प्रार्थना करें फादर लॉर्ड आई प्रे फॉर ईच वन लिसनिंग टू मी राइट नाउ पिता परमेश्वर में हर एक व्यक्ति के लिए समय जो सुन रहा है उसके लिए प्रार्थना करता हूँ फादर आई प्रे ईच वन वुड बी एबल टू स्टैंड टॉल एंड हैंडसम एंड प्रे द प्रेयर ऑफ जेबेस एंड डू द डूइंग्स ऑफ डैनियल एंड डेविड एंड से दैट दिस इज नॉट गोइंग टू पास मी दिस प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू पास मी आई एम गोइंग टू टेक अ स्टैंड विद जीसस यू डू अ मिरेकल विद मी एंड आई एम गोइंग टू पास इट ऑन विद माय लाइनेज और परमेश्वर मैं हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर इस समय प्रार्थना करता हूँ कि वो याबेस की नाय दाऊद के नाय आपके सामने खड़े होंगे और अपने जीवन के द्वारा अपनी वंशावली से अपनी विरासत में सब कुछ बदल देंगे एट द सेम टाइम लॉर्ड हेल्प अस टू इनहेरिट द लेगेसी ऑफ फेथ फ्रॉम माय पेरेंट्स इफ दे आर बिलीवर्स हेल्प अस टू इनहेरिट एवरीथिंग गुड दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड इन आवर लाइफ
from them the biblical concept and principles. Help us not to lose that, but to gather that and start some new legacy with Jesus Christ. और परमेश्वर, अगर मेरे माता पिता जो हैं वो विश्वासी थे, तो मैं ये विरासत में लेना चाहूंगा कि आप मेरा विश्वास भी उसी तरीके से बढ़ाएं जैसे आपने मेरे माता पिता को दिया है, और वही विरासत में मैं चलाऊं और कुछ ऐसी नई विरासत भी मैं स्थापित करने पाऊं आपके साथ। Come on, church, lift up your hands and receive that. आइए कलीसिया, हम अपने हाथों को उठाएं और इसे प्राप्त करें। Pray the prayer of Jabez. आइए प्रार्थना करते हैं याबेस की। Tell the Lord that, Lord, I want to start it with me right now, today. और परमेश्वर को आप कहें कि परमेश्वर, मैं ये आज से अभी से शुरू करना चाहता हूँ अपने द्वारा। I want to take some promises and fulfill it in my life today. मैं कुछ ऐसे वचन, ऐसे वादे लेना चाहता हूँ परमेश्वर के, जो कि मैं अपने जीवन के द्वारा पूरे करूंगा। Thank you, Jesus, for listening to my prayer. धन्यवाद हो यीशु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। Indeed, the God of Israel has blessed me like he blessed Jabez. और अवश्य ही इसराइल के परमेश्वर ने मुझे भी आशीषित किया है जैसे उसने याबेस को किया था। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen.